मम्मी जल्दी नहीं आएगी लेने स्कूल में? आएगी। अच्छा आएगी। तो भाई निकल पड़े हैं नन्नी को। नन्नी कहाँ जा रहे हो बताओ तो कहाँ जा रहे हो? टूर। और तुम डेली स्कूल जाते हो ना? नन्नी अच्छी बच्ची है, डेली स्कूल जाती है, इसलिए चार दिन बाद स्कूल जा रही है। तो नन्नी अच्छी बच्ची है। और भाई जा रहे नन्नी को छोड़ने स्कूल। और भाई पापा बेटा चीज़ है ना, जब मम्मी आएगी स्कूल से लेने तो मम्मी चीज़ खरीदेगी। क्यों बेटा? स्कूल में मैडम मारती है ना, बोलते हैं कि चीज़ लेके मत आया करो स्कूल में, बाकी बच्चे भी रोते हैं, इसीलिए। समझ गए? क्या कह रही है? घर से चीज लेकर आई है? ओ भैंस की, घर से चीज लेकर आई है? बताओ तो किसने दिया था घर से चीज? मम्मी ने। मम्मी ने? बाय। भाई ये तो था, नन्नी को स्कूल छोड़ दिए। तो मेरी भाई अपनी गाड़ी को कर लिया है साफ। अब निकलते हैं अपने जॉब के लिए। नन्नी को ना स्कूल छोड़ के आए और तैयारी व्यार होकर हम भी निकल गए हैं अपने जॉब के लिए। लेकिन एक समस्या हो गया भाई, लंच भूल गई है नन्नी, तो लंच देने आए हैं उसके स्कूल पे। तो पहले लंच देंगे और फिर निकलेंगे अपने काम के लिए। मेरा नन्नी का लंच। रिसेप्शन पे दे दिया है लंच। अब वो मैडम दे देगी उसको लंच। भूल गई थी आज वैसे जल्दबाजी में ना। वैसे वो जाने आने में भी तो नखरे करती है भाई, स्कूल जाने के लिए नखरे, रोती है, बोलते है मैडम मारती है, डांटती है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, नर्सरी में बच्चे को कहाँ मारा जाएगा। और तो बस उसको तो ये है कि स्कूल आना जाना ये सब चीज़ सिखाते हैं। तो बस वही है, अब लंच वंच दे दिया और हम भी निकलते हैं। या अब निकल रहे हैं अपने भी काम के लिए बहुत जल्दी। भाई टाइम है ना सुबह सुबह बहुत कम होता है। एक तो नन्नी को तैयार करवाना, उसके कॉपी किताब शेड्यूल से रखना, प्लस क्या कहते हैं थोड़ा सा टाइम मिलता है उसमें अपने को भी तैयार होकर निकलना है। तो भाई ज़्यादा ब्लॉग है ना मॉर्निंग के टाइम बन नहीं पाएगा। और बाय द वे मैं निकल रहा हूँ अपने हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ। जिन भाइयों को नहीं पता उनको मैं बता दूँ, मैं हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ। तो डेली अपना 8 से 4 जो होता है हॉस्पिटल की ड्यूटी होती है, फिर उसके बाद अपनी ब्लॉगिंग। और मेरा एक और चैनल है भाई, यहाँ देव स्माइल एंड हैप्पी नाम से। तो भाई अपना एक और चैनल है देव स्माइल एंड हैप्पी नाम से, जो कि ये रहा आपका सिल्वर प्ले बटन जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे। तो ये आ रखा है भाई 3 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं। वो उस पर मैं मार्केट वीडियो डालता हूँ। और ये हमने शुरू करा है ब्लॉगिंग के लिए। दोनों को मैं पहले ना मिक्स कर देता था तो वो मज़ा नहीं होता था यार। सब्सक्राइबर कभी कहते थे भैया कभी आप मार्केट ब्लॉग बनाते हो, कभी आप पर्सनल ब्लॉग बनाने लग जाते हो। तो दोनों को हमने अलग कर दिया है भाई। जिसको मार्केट ब्लॉग देखना है वो उस चैनल पे देख सकता है, और पर्सनल ब्लॉग के लिए ये रहा। और भाई आज से डेली वीडियो हम कोशिश करेंगे, कि डेली वीडियो डाले और भाई आपको दिखाए। तो अभी तो भाई देर ना करते हुए निकलते हैं अपने हॉस्पिटल, क्योंकि लेट हो रहा है भाई। और चलो फिर चलते हैं वहाँ पर, आपको मैं दिखाता हूँ।
तो ये है भाई ओपीडी, जहाँ पर हम काम करते हैं। तो ये पूरी ओपीडी ना अभी खाली आती है, त्यौहार के समय ना पूरी ओपीडी खाली रहती है। और ये वेट की लाइन है, यहाँ पर वजन होता है बच्चों के पर्चों पे, फिर जाकर ये डॉक्टर को दिखाते हैं, है कि नहीं, है कि नहीं। तो भाई अभी है ना लंच टाइम में आए हुए हैं, ये लंच वंच करके आराम कर रहा है और हम भी आए हुए हैं। मैं इसको यही बता रहा था भाई, मेरे को ना गाड़ी सीखे हुए काफ़ी दिन हो गए, और जब से सीखा ना, जब से एक बार भी हाथ नहीं लगी किसी की गाड़ी चलाने के लिए, और सीख लिया, पता नहीं मैंने कैसे सीख लिया था मज़े में, तो गियर लगाना चलाना चला लेता हूँ, लेकिन है ना हाथ साफ नहीं है, तो हाथ साफ नहीं है। और भाई यही बात कर रहा था मैं इससे। तो भाई हॉस्पिटल से निकल गए थे 4 बजे, और भाई घर नहीं जा रहे, आज जा रहे हैं रिठाला। भाई एक वीडियो शूट है दूसरे चैनल के लिए, जैसे कि मैंने बताया मेरा दूसरा चैनल है जिसपे मैं मार्केट ब्लॉग डालता हूँ, तो उसके लिए भाई निकल गए हैं रिठाला, वहाँ पर शूट वूट करेंगे और शूट कंप्लीट करके फिर निकलेंगे घर। तो मेरे साथ भाई मैं हूँ और मुकेश है, तो वो स्कूटी चला रहा है और मैं भाई पीछे बैठा हुआ पानी। अच्छा, इसको लग गया प्यास। तो भाई इस बंदे की ना थोड़ी मैं खासियत बता दूँ, ये है ना 10 किलोमीटर चलते ही ना इसको लग जाता है प्यास, तो ये पानी ज़रूर चाहिए। तो हम है ना शूट पे भाई अपने गोप्रो कैमरा या माइक रखे ना रखे, पानी का बोतल ज़रूर रखते हैं, उसमें पानी ज़रूर रखते हैं, नहीं तो भाई इसकी है ना प्यास नहीं बुझेगी तो फिर शूट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो भाई अच्छा पीने दो भाई, थोड़ा पहले पानी पीने दो फिर बात करेंगे। क्यों भाई बेटा, पापा नन्नी के लिए आज क्या खरीदाया है? कलर। तो भाई कलर लेकर आए हैं। हाँ कौन सा कलर है बेटा? ये मॉमी कलर। और सो रहे थे तुम? रात में कोई सोता है? रात हो गई है बेटा, मैं आया तो तुम सो रहे थे, फिर मैंने तुम्हारे लिए कलर लेकर आया था, फिर अब तुम उठे हो, उठाया गया है, तो अब तुम कलर से खेल रहे हो। क्या करोगे इस कलर का? ड्राइंग करोगे? हाँ। कितने सारे कलर खरीद लिया तुमने? तोड़ना मत इसको, है ना? अच्छा, और तुम्हारा क्या हाल है? ये दीदी के लिए खरीदाया है? दीदी के लिए खरीदाया है। उधर देखो, उधर कौन देख रहा है? पर्दे वो देखो, वो देखो पदर तो ओ मैं तो डर गई। दोनों के लिए दो कलर लेकर आओ क्या? और क्या, दोनों के लिए मैं रबड़ खरीद के लाई तो तुम कलर नहीं ला सकते? हाँ तुम दोनों के लिए कलर लाना है। दीदी का बेटा, दीदी का कलर रहते है, तेरा नहीं है। नन्नी के लिए जो कलर लेकर आए हैं वो ये मांग रहा है। तू क्या करे, तू तो स्कूल भी नहीं जाता है। हाँ भाई एक और चीज दिखाऊं? ओ कॉपी कहाँ दे रही? ओ भाई साहब फाड़ भी दिए। भाई साहब तुम स्कूल जाते हो? नहीं छोटी कॉपी नहीं। नन्नी बाबू स्कूल नहीं जाता ना? बाबू स्कूल नहीं जाता ना बेटा? क्या आई है? नई कॉपी खरीदा गई। वाह क्या चाहिए? क्या चाहिए? कलर? कलर चाहिए? देखियो उधर कलर चाहिए। तू स्कूल जाता है? जो रूस रहा है, नाराज हो गया भाई, एक कलर लेकर आए ना, एक कलर के लिए नाराज हो रहा है ये। स्कूल तो जा, पहले नाम तो लिखवा ले अपना। ओ लड़के मेरा नाम किसे पूछेगी? क्या बोल रहे हो? इतना ड्राइंग भी नहीं करने आता। इसको ड्राइंग भी नहीं करने आता ना। और ये स्कूल भी तो नहीं जाता है ना। इसका नाम लिखा गया है क्या? नहीं। तो फिर क्यों मांग रहा है भाई कलर? ओए फिर क्यों कलर मांग रहा है? कल बाबू के लिए भी ले आऊंगा कलर। ठीक है।